तो यार आज के स्टूडियो में बात करने वाला कुछ चाइल्डहुड के मेरे फेवरेट शोज़ एंड इस लिस्ट में खास बात ये है कि इसमें परमैन, डोरेमोन, शिनचैन और पोकेमोन जैसे शोज़ को मैंने इंक्लूड नहीं करा बिकॉज यार ये लोग पहले से ही पॉपुलर हैं एंड इस लिस्ट में रखने कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सभी लोग सोच के ये आए होंगे कि यार इस लिस्ट में ये लोग तो होंगे ही। तो नहीं यार, इस लिस्ट में ये सब नहीं है। साथ साथ इस लिस्ट में मैं मोस्टली ओल्ड कार्टून्स एंड कुछ एनिमेटेड शोज़ को रखा जो कि 90s से लेकर 2015 तक टीवी पर दिखाए गए, क्योंकि उसके बाद से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया तो मुझे नहीं पता अब क्या हाल है। एंड ऑल्सो यार कंपेयर मत करना कमेंट बॉक्स में। एंड जो शो नंबर 1 पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 10 से बेकार है, क्योंकि 10 शो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ऑसम बनाती है और कूल बनाती है। तो प्लीज़ कंपेयर मत करना 10 शो का एक दूसरे। कुछ नया ट्राई करो तो यार वीडियो पे लाइक करना तो बनता है, साथ साथ चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को आराम से फोड़ दो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते। नंबर 10 से स्टार्ट करो तो वो है सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स को। ये शो आता था एट द टाइम ऑफ 2014 या 13 और इसको एयर करा गया था डिज्नी XD पर। अब आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने इस शो को देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड शो था। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ इस शो के बारे में, तो इसमें एक बच्चा रहता था जिसका मैं नाम ऑफकोर्स भूल चुका, बहुत साल हो गए देखे हुए। तो उसको क्या होता है, एक दिन एक रोबोट मिलता है और उस रोबोट के अंदर 5 मंकीज रहते हैं एंड उसके बाद वो लोग बहुत सारे लोगों से लड़ते हैं एंड लास्ट में उन लोगों की फाइट होती है विलन से एंड हरा के इस शो का सीज़न 3 पर आई थिंक एंड हो जाता है। तो यार देखो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा ये, मतलब जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा, बट जब इस शो को आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी एंड बहुत सारे सीन्स पे आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि यार ये चीज़ कैसे हो सकती है। बट आपको वो शो देखने के बाद ही पता चलेगा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो यार इस शो को ज़रूर देखना, सजेस्ट कर रहा हूँ एंड आई नो कि आप लोगों से बहुत लोग नहीं देखे होंगे। तो बढ़ते हैं अब नंबर 9 पे, सुपर स्ट्राइकर। एंड लगभग सारे लोगों ने सुपर स्ट्राइकर देखा होगा एंड जो लोगों ने नहीं देखा तो यार सबसे बड़ी भूल कर रहे हो लाइफ की, इसको देख लो। क्योंकि अगर आप कोई फुटबॉल के फ़ैन नहीं हो एंड इस शो को देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ यार आप फुटबॉल के फ़ैन बन जाओगे, बिकॉज उसमें जिस तरीके की फुटबॉल हम लोग को दिखाई गई है पूरा ही एक्सपीरियंस अलग है कोई नॉर्मल फुटबॉल से। एंड ऑल्सो सुपर स्ट्राइकर की तो वो सोनिक पर आता है तो आप उसको देख सकते हो। नंबर 8 की बात करूँ तो वो है स्कूबी डूबी डू। एंड लगभग सारे लोगों ने इस शो को देखा होगा और अगर मैं बात करूँ तो ये आता था कार्टून नेटवर्क पर एंड इसकी टाइमिंग रात की कुछ 9 या 8 बजे की थी। ड्रैगन बॉल के बाद ही आता था या फिर पहले आता था मेरे को कंफर्म याद नहीं, बट जब भी आता हो यार अगर आपको अभी भी इस शो को देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको इसके कुछ एपिसोड्स मिल जाएंगे जो लोग नहीं देखे हैं एंड उसके बाद आप लोग तो इसके फैन बनोगे, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। एंड स्कूबी डूबी में कुछ ऐसे सीन्स होते थे, कह सकते हो बेसिकली एक कॉमेडी फनी शो था, तो आप लोग इसको इन्जॉय कर सकते हो देख। इसमें डॉग रहता था जिसका नाम रहता था स्कूबी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी नहीं बता सकता तो जाकर आप लोग देखो, यहाँ पे मैं रिव्यू करने नहीं बैठा हूँ किसी शो का। तो अब आगे बात करें यानी कि नंबर 7 पे तो वो है बेब्लेड। मैंने सोचा था कि यार बेब्लेड ना रखूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर ऑलरेडी नो अबाउट बेब्लेड, बट स्टिल जो लोग नए आए चैनल पे यार उन लोग को बेब्लेड तो पता ही होगा। हम लोग कितना ज़्यादा मज़ा करते थे यार जब हम लोग छोड़े थे बेब्लेड्स खरीद कर एंड तब तो यार 10-5 रुपये के बेब्लेड मिल जाते थे, बट अब तो समझ सकते हो क्या हालत हो गई है। वेल जो भी हो, बेब्लेड की बात करें तो आप सभी को पता है लगभग 3 सीरीज़ आई है उसकी, एक थी ओरिजिनल मेटल और ऑन गोइंग अभी जो बस चल रही है। तो आपने बेब्लेड भी नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, बेब्लेड ही मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट सीरीज रह चुकी है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर, नंबर 6 के शो की बात कर तो वो है किक बटॉस्की, जो बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट बन चुका था एक टाइम पर, जिसका मैं बहुत ज़्यादा वेट करता था कि कब ये आएगा टीवी पर। यह आता था डिज्नी XD पर एंड इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है किक, जो अपने स्केटबोर्ड को यूज़ करके बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें करता था। तो इस शो को भी नहीं देखा तो इन्जॉय कर सकते हो बहुत ही आराम से। एंड मुझे यार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि किक बटॉस्की अभी आता है टीवी पर कि नहीं, बिकॉज ये शो यार एक लाजवाब शो था जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करता था टीवी पर, तो वो दिन मेरे को अभी भी याद है। तो यार लेट्स मूव टू नेक्स्ट नंबर यानी कि नंबर 5 पे, डैट एंड जंप। रियल यार ये शो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। ये आता था सोनिक पर 6:30 बजे आता था जब इसको सबसे पहली बार टेलीकास्ट करा गया था, 6 या 6:30। उसके बाद जब ये शो ख़त्म होता था तो इसमें दिखाया जाता था कैसे स्टंट्स कर सकते हो। वेल रियल लाइफ में तो वो स्टंट करोगे तो आपकी हड्डी सड्डी सब कुछ टूट जाएगी। वेल तब भी उसमें दिखाया जाता था कैसे बनी हो और भी बहुत सारे जो स्टंट्स वो कैसा परफॉर्म कर सकते हो। और साथ साथ जो इसमें मेन कैरेक्टर शो यमैटो रहता था वो भी बहुत ही ज़्यादा कूल था एंड गाबू सामाजी में उसका बैडएस कैरेक्टर, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स थी इसमें एंड बहुत सारे पॉइंट्स पर आपको बहुत सारे सस्पेंस शॉकिंग एलिमेंट्स भी मिलेंगे। तो अगर आपने डैट एंड जंप नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, इसको भी देख लेना। तो नंबर 4th पोजीशन की बात करें तो वो है करज द कावर्डली डॉग। ये शो आता था रात के 10 बजे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा डरावना था। वेल उतना डरावना मुझे नहीं लगा था जब मैं इसको देखा था, बट फिर भी इसको रात में दिखाया जाता था। बट आई थिंक इसको जो रात में दिखाया जाता था 10 बजे कार्टून नेटवर्क पर, यही चीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा हॉरर बना देती थी। अभी भी कार्टून नेटवर्क पर आता है रात को, अगर आपको इसका मज़ा लेना है तो यार एक बार ज़रूर ट्राई करना, मैं गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो नंबर 3rd पोजीशन पर जो शो आता है ट्रांसफॉर्मर प्राइम, एंड बहुत सारे लोग को लगता होगा कि यार ऑप्टिमस ही मेन है,
बट इसमें अच्छी बात ये थी कि हर करेक्टर की बैक स्टोरी अच्छी थी एंड हर करेक्टर पे लगभग फोकस करा गया था। नहीं तो बहुत सारी एनिमेटेड सीरीज़ या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जो करेक्टर्स की बैक स्टोरी होती है वो उतना मजबूत नहीं रखते, एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बैक स्टोरी, साइड करेक्टर, सब में बहुत सारी चीज़ें थी। तो आई थिंक आपको इस वाले एनिमेटेड सीरीज़ को ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है। एंड उस समय की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि यार डिस्कवरी किड्स पर अगर 3 बजे लिखा है कि ट्रांसफॉर्मर प्राइम आएगा तो वो आएगा, अनलाइक मार्वल। ट्रांसफॉर्मर प्राइम के बाद एक और सीरीज़ आई थी, ट्रांसफॉर्मर प्राइम बीस्ट हंटर्स, जिसका कंटिन्यूएशन पार्ट था वही ट्रांसफॉर्मर प्राइम का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने सेकंड पोजीशन पे, तो वो है बैन 10। रियली अगर मैंने बैन 10 नहीं रखा होता तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग मेरे को हेडशॉट मार देते, क्योंकि बैन 10 को कौन भूल सकता है। वो भी क्लासिक वाला बैन 10 ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था, एंड ओमनीवर्स भी ठीक ही ठाक था। ओमनीवर्स लोग कहते हैं बेकार है, बट यार रियली विश्वास करो, ओमनीवर्स की जो स्टोरी लाइन है ना वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। जानता हूँ यार एनिमेशन क्वालिटी बेकार है, बट स्टिल ओमनीवर्स को ट्राई करना। और अगर मैं बात करूँ एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियंस की, तो वो तो ऑसम था यार, एंड उसका एनिमेशन क्वालिटी बेस्ट था। तो सारी लगभग अच्छी थी। एंड अब मैं 5वीं सीरीज पर नहीं जाऊँगा जो कि है रिबूट, जिसने पूरा सत्यानाश कर डाला था पूरे बैन 10 फ्रेंचाइज का। तो यार बैन 10 सबने देखा है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो विदाउट टाइम वेस्ट, तो नंबर 1 पे जो शो आता है वो है टॉम एंड चेरी, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम यार, इसको कौन भूल सकता है। हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हुए हैं टॉम एंड जेरी का नाम सुन के, बट स्टिल मैं इसको नंबर 1 पे ही रखूँगा चाहे कोई भी चाइल्डहुड की सीरीज़ हो। बिकॉज टॉम एंड जेरी यार एक शुरुआत था एक एरा का जो था कार्टून्स का, एंड टॉम एंड जेरी सबने देखा, चाहे आप जिससे पूछ लो, कोई बच्चा हो बड़ा हो, तो टॉम एंड जेरी का कुछ ऐसे ही हाल थे यार। भले यार बहुत सारे एनिमेज, वेब सीरीज़, आप लोगों ने बहुत सारे अदर कार्टून्स एंड ऑल्सो एनिमेटेड सीरीज़ देखी हो, बट स्टिल टॉम एंड जेरी को कोई नहीं भूल सकता। एंड मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लगा होगा, टॉम एंड जेरी को मैंने नंबर 1 पे रखा है। एंड मैंने शुरुआत में ही बोला था कि यार किसी भी शो को दूसरे से कंपेयर मत करना, सब अपने में बेस्ट है, तो इसीलिए टॉम एंड जेरी भी अपने में बेस्ट है। अगर टॉम एंड जेरी के आप रियल फैन हैं तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज मेरे चैनल की जो हालत हो चुकी है मुझे नहीं लगता कि ये चैनल कहाँ जाने वाला आगे। मैंने कभी ऐसे वीडियोस में बात नहीं करी कि चैनल को लेकर, अब वो टाइम आ चुका है कि मैं भी कुछ बोलूँ, क्योंकि मेरा चैनल पूरा ट्रैक से उतर ही चुका है। तो आप लोग भी कुछ शेयर करोगे तो हो सकता है मेरा चैनल ट्रैक पे वापस आए। तो वीडियो को शेयर करो यार, और साथ साथ अपने दोस्तों को कहो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोग की अपनी लिस्ट क्या है वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि उससे कुछ मेरे को नए शोज़ मिलेंगे जिनको मैं इस लॉकडाउन की दुनिया में देख सकूं। तो हाँ यार, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।